get some calls. हाय दोस्तों, वेलकम टू चैनल स्मार्ट जनरेशन। मैं हूँ भानु मारवा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि आपको मैं थोड़ी में दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन में GTA 5 या कोई भी PlayStation या फिर मैं कहूँ PC में जो भी आपके सख्त गेम चल रहे हैं उनमें से कोई भी गेम आप किस तरह अपने फ़ोन में खेल सकते हैं। तो मैं अपने PC का दिखाता हूँ। यहाँ पर ये मेरा लैपटॉप है जिसको मैं दिखाता हूँ, PC कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे हाथ में मेरा फ़ोन, ये फ़ोन है आपको जैसा कि बताएगा सैमसंग का A70 फ़ोन। अब दोस्तों, इस A70 फ़ोन में आपको एक मतलब A17 है, आपको कोई भी अगर फ़ोन है तो उसमें आपको एक सिंपल से एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को मैं आपको दिखा दूँ, ये आपको PC पे भी आपको कहीं भी अपने अवेलेबल हो जाएगा, रिमोट आर। ये रिमोट आर करके जो एक एप्लीकेशन है ये आपको डाउनलोड कर लेनी है अपने फ़ोन के अंदर। अब ये आपको मिलेगी कहाँ से, ये आपको प्ले स्टोर पर जाके रिमोट आर सर्च करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी रिमोट आर। इस ऐप को जब डाउनलोड कर लेंगे सिंपली तो आपको बिल्कुल ईजिली कोई मतलब इसको ऐसा इशू नहीं आएगा आपको यूज़ करने में, बहुत ओपन है, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद अब मैं आपको दिखा दूँ कि आपको अपने PC में क्या करना है। आपके PC में भी आप सबको पता होगा कि जैसे कि यहाँ पे आके आपको एक प्ले स्टोर की तरह एक आपको इसमें ऐप स्टोर मिल जाता है। तो यहाँ पे आके आपको इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। अब आपको सिंपली जो चीज़ आपने अपने फ़ोन में डाउनलोड करी है अभी वही चीज़ आपको इसमें भी सर्च करनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रिमोट आर। अगर ये आपकी यहाँ पे अवेलेबल होगा तो बहुत अच्छी बात है, कईयों के क्योंकि अवेलेबल था, और अगर नहीं होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया, उसके थ्रू आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने PC के लिए भी, फ़ोन के लिए भी, दोनों के लिए लिंक अवेलेबल है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है। आपको रिमोट आर एप्लीकेशन को ओपन करना है सिंपली, कोई इशू नहीं आएगा ऐसा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका रिमोट आर, ये रहा रिमोट आर स्ट्रीमर, ठीक है। अब आप इसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाऊँ कि आपको अपने फ़ोन में भी ओपन करना है। जब आप दोनों में ऑन करेंगे तो आपका सिंपली फ़ोन वाला यूज़ करना है मेन आपको, कि इसका कोई ऐसा यूज़ है नहीं स्पेशली। जैसे कि आपने देखा ये मेरा फ़ोन वाला को मैंने अपना ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे ये मेरे डेस्कटॉप का नाम दिखा रहा है मुझे क्लियर कि ये डेस्कटॉप है आपका, आप इसे यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। मैंने इसे ओपन करा। अब यार दोस्तों, इसमें ना गेम वॉर्टेक्स वगैरह दिखा रहा है, जो गेम दिखाने चाहिए वो नहीं दिखा रहा। तो आप वॉर्टेक्स पर क्लिक करेंगे सिंपली, और अब यहाँ से आपको सिंपल अगर आप ध्यान से देखें तो एडवर्टाइजमेंट आई, और ये देखो मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ, तो ये कंट्रोलर वगैरह बने आ गए हैं। और जैसे कि कुछ लोगों को मे भी लग रहा हो कि ये मैं कोई नकली दिखा रहा हूँ, तो एक काम करते हैं कोई गेम लैपटॉप में ओपन कर देता हूँ। तो सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल मैं GTA 5, जैसा कि मैंने अपने टाइटल में भी आपको डिस्क्रिप्शन में हर जगह GTA 5 का दिखाया, तो मैं GTA 5 भी आपको ओपन दिखा देता हूँ। और ये मैंने GTA 5 को करा ओपन। अब GTA 5 दोस्तों दोनों में ही ओपन होगी, मैं कोई टच नहीं कर रहा है। देखो मेरा फ़ोन ही है ये, यहाँ पे एक इनका ऑप्शन आया जैसे मैं यस कर दूंगा। मैं चाहूँ तो इसे अपने फ़ोन से ही कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। एक सेकेंड मैं स्क्रीन बड़ी कर दूँ। हाँ, और इस तरीके से यहाँ पे गेम चल रहा है। वेट, हाँ आपको दिख रहा होगा GTA 5 बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल कोई बफरिंग वगैरह का टाइम नहीं है। इफ आपको मैं यहाँ से भी दिखा दूँ, अपने लैपटॉप की भी स्क्रीन दिखाऊँ ढंग से, तो इवन आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि GTA 5 जो ओपन हुआ है वो दोनों में एक साथ ओपन हुआ है। एंड मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर अपना फ़ोन कास्ट करते हो कई बार वाईफाई स्लो होता है तो क्या होता है, या तो वो फ़ोन की गेम्स चलती हैं आपके लैपटॉप में, या फिर मैं कहूँ आपके जो भी आप स्मार्ट टीवी वगैरह यूज़ करते होंगे एट अ टाइम, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गेम बहुत परफेक्टली बहुत स्मूथली चल रहा है। कई लोगों को शायद स्टार्टिंग में थोड़े कीबोर्ड के इश्यूज आएंगे, बट यस हर गेम के हिसाब से ये अपना कीबोर्ड खुद एडजस्ट करता है, तो कोई इशू नहीं आएगा। आपको मैंने दिखाया भी थी सैमसंग का A70 मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब पीछे बैकग्राउंड ज़रूर ध्यान से देखते रहिए कि मैं ढंग से प्ले कर रहा हूँ। अब यार आप सोचो कि GTA 5 डायरेक्ट फ़ोन में डाउनलोड करके खेलें, तो भाई मैं फेक वीडियो भी बना सकता था, बट मुझे लगा नहीं कि उसको भी ज़रूरत है। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि यार आपको पता लगे कि किस तरीके से आप इसे खेल सकते हैं। बट यस, इफ़ आपके पास आपका लैपटॉप या PC है तो ही इसे खेल सकते हैं, क्योंकि देखिए PC भी पूरी तरह ब्लॉक हो रहा है। आप सोचें कि PC बंद करके किसी और के PC से सर्वर कनेक्ट करके खेले, तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको अपना ही डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और बाकी तो
मैं आपको थोड़ा बहुत गेम प्ले और दिखा ही रहा हूँ आगे तक का। इफ़ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कि क्यों नहीं लगा। एंड अपना कोई भी ओपिनियन तो शेयर करिएगा चैनल से रिलेटेड, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उम्मीद है करो अच्छा लगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट जनरेशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल न्यूज़ अपडेट्स के लिए।